होममेड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंकुरित मूंग दाल से चिल्ले, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल के चिल्ले। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मूंग दाल अंकुरित, और एक कटोरी उबले हुए आलू, एक टमाटर, एक प्याज और 2 चम्मच बेसन लिया है। अंकुरित दाल को हम मिक्सी जार में डालकर उसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, कई बार हमारे बच्चे होते हैं वो अंकुरित दाल खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह उन्हें नाश्ते में चिल्ला बनाकर उनके लंच बॉक्स में या घर पर ऐसे बनाकर खिलाइए, तो वे बड़ी खुशी से खाएंगे, लंच बॉक्स में भी ले जाना पसंद करेंगे। अब ये देखिए, मैंने भी मूँग दाल को पीस लिया है, एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है, और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 2 टीस्पून बेसन डाल देंगे और इसको भी इसमें हम मिला देंगे। अब हम टमाटर और प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर और प्याज को हमने काट लिया है बारीक बारीक। अब हम अपना बैटर लेंगे और उसमें हमने जो टमाटर और प्याज काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे, और उबले हुए आलू भी इसमें हम डाल देंगे। अब इन सब को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी, और 1/2 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 2-3 कटी हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च खा लेते हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इनको मत डालिए, क्योंकि मेरे बच्चे हरी मिर्च खा लेते हैं, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। अब बैटर में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको बैटर को कितना पतला रखना है। ये देखिए, आपसे को चम्मच से मैं दिखा रही हूँ इतना पतला हमें बैटर रखना है। गैस पे मैंने तवा रख लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल लिया है। अब जो बैटर हमने बनाया था वो इस पर हम डाल देंगे और चम्मच से उसको हम फैला देंगे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना, इसको चम्मच से हमें अच्छे से फैला देना है। देखिए, जैसे मैं फैला रही हूँ, आपको भी ऐसे चम्मच से उसको फैला देना है ठीक अच्छे से। अब ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पकने लगा है। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, जब अच्छे से नीचे से सीख जाएगा तो इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे। अब ये देखिए, अच्छे से एक तरफ से सीख गया है, अब इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे। दोस्तों, अंकुरित मूंग दाल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, फाइबर, आयरन और जिंक, प्रोटीन होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, और इससे चर्बी भी कम होती है, बालों की समस्या दूर होती है। और आज के टाइम में तो हमारे सभी में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो आप, अगर आपके बच्चे या कोई भी मूंग दाल ऐसे खाना पसंद ना करे, तो आप ऐसे उनको चिल्ला बना के उनको खिला सकते हो, और ये चिल्ला टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। आप देखिए, हमारा चिल्ला पक गया है, अब इसको हम उतार लेंगे। ऐसे ही हम सभी चिल्ले बनाकर रेडी कर लेंगे। अब देखिए, मैं बच्चों के लिए छोटे छोटे चिल्ले और बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ मैंने तवे पर गरम कर लिया और उस पर थोड़ा तेल डाल लिया है। अब चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। ये देखिए, मैं 4-5 जगह ऐसे ही चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दूंगी। अभी एक तरफ से सिक गए हैं, अब इनको हम पलट लेंगे धीरे से।
छोटी छोटी चीजें देखकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों तरफ से सिक गए हैं। अब इनको हम उतार लेंगे। अब हम अपनी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारे अंकुरित मूंग दाल के चिल्ले तैयार हैं। अब आप भी नाश्ते में अंकुरित मूंग दाल के चिल्ले बनाकर खिलाइए, और ये हेल्दी और टेस्टी भी है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।